चलिए खबर इस वक्त बड़ी निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको जानकारी दे दें कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही कांग्रेस। सिंधिया की तरफ से कहा गया है, पहली बार किसी सांसद की सदस्यता रद्द नहीं हुई, पहले भी सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कहा गया है, कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान कर रही है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा है कि पहली बार किसी सांसद की सदस्यता रद्द नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है, और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को, मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद के संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं, जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं, पर ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है, इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा, क्या कारण है कि इस बार काले कपड़े पहनकर लोग अपनी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जबकि ये पहले कभी भी ये स्थिति कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुतिकरण नहीं हुई।